Welcome to our next lecture of periodic table. In last class, we have studied about the merits and demerits of Mendeley's periodic table. Now, in today's class, we are going to discuss about the modern periodic table. Now, let's start our discussion. The modern periodic table, modern periodic table. This table was made by Henry Moseley, and he prepared this modern periodic table after the discovery of atomic number, which is represented by Z. Z is a atomic number. अभी कैसे discover हुआ था? Moseley ने X-ray diffraction technique का use करके क्या किया था? Atomic number discovery की थी by plotting a graph between under root न्यू एंड जेड. इस तरह से क्या किया था उसकी आप ग्राफ उन्होंने पुट किया था. तो हमको यहाँ फिजिक्स डिस्कस नहीं करनी, केवल आपको केमिस्ट्री में करना क्या मॉडर्न पीरियड टेबल. तो इट मीन्स द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाई पी प्लस. फॉर्म्स ऑफ प्रिसाइज वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी इससे क्या मिला था? एक प्रिसाइज वे किसका मिला था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, जिसमें यह देखा गया था कि देयर आर नो एलिमेंट टू बी प्लेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर वेयर एज दैट वाज नॉट ट्रू फॉर एटॉमिक मास. जिस तरह से हम देख रहे थे एटॉमिक मास के बीच में क्या होता, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा था कि एटॉमिक मास ज्यादा और कम हो जा रहे थे, लेकिन एटॉमिक नंबर जब हम करते हैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो दो एटॉमिक नंबर के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आता. अगर वन है तो वन के बाद सीधे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर आपका टू ही आएगा. 1.5, 1.6 ऐसा कुछ एटॉमिक नंबर होता ही नहीं है. अगर एटॉमिक नंबर होगा तो कंप्लीट नंबर होगा, वन और टू. मास में क्या था? 1.01, 1.02, इस तरह से एटॉमिक मास आपके वेरी कर रहे थे, क्योंकि उसमें क्या थी? प्रॉब्लम आ रही थी. लेकिन जब एटॉमिक नंबर को देखा गया, एटॉमिक नंबर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन. और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा. प्रोटॉन कभी भी हाफ नहीं हो सकता, कभी पॉइंट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल. और सब एटॉमिक पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके आप छोटा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल. यानी सब एटॉमिक पार्टिकल का फर्दर डिविजन करना पॉसिबल नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन. एज पर द बोर बरी स्कीम, हमको पता है क्या बोर बरी स्कीम? बोर बरी स्कीम में क्या था? बोर बरी स्कीम में देखा जाता था क्या आपका? द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल. न फिलिंग ऑफ के नाम से इलेक्ट्रॉन आप करते थे किसके अंदर? आप ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर. अब बोर बरी स्कीम के अंदर कौन सा आपके तीन रूल को कंसिडर किया गया? कौन कौन से रूल थे वो आपका? वन इज द हाफ बाउ रूल. हाफ बाउ, ऑफ बाउ रूल. नेक्स्ट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज कुंट्स रूल. क्या था इन तीनों रूल के बीच में? कुछ याद आ रहा है? आप बाउ रूल में क्या कह रहा था? द फेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट आर अकल्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. किसकी एनर्जी? ऑर्बिटल की एनर्जी, यानी एस पी डी और एफ, यानी इनके ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते क्या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? नो टू इलेक्ट्रॉन इन अ सेम ऑर्बिटल हैव ऑल फोर इक्वल सेम क्वांटम नंबर, यानी एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के फोर क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं. कौन कौन से क्वांटम नंबर थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कौन सा था? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. हुंड्स रूल में क्या था? पहले पहले हम करते क्या है, ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन के वन वन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. आफ्टर द फिलिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन ईच ऑर्बिटल द पेयरिंग विल स्टार्ट विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद करते हैं क्या, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन उसकी पेयरिंग हम स्टार्ट करते हैं. तो यानी ये तीनों जो आपके कौन से थे रूल्स थे, इट इंक्लूडेड एज पर द बोरबरी स्कीम. इसके अंदर से बोरबरी स्कीम के बाद इसको इस रूल को वहां पे स्टडी करते हैं. नाउ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी का ऑर्डर क्या था? आप बाहू में आपने क्या पढ़ा था? पहले 1s, देन 2s,
2p 3f 3p, देन क्या था आपका 4f 3d एंड सो ऑन। ये क्या था आपका एनर्जी ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल का ये क्या था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने होते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने होते हैं 2, डी में कितने होते हैं 10, एफ में कितने होते हैं 14, यानी इस तरह से किया गया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलिंग करी गई। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दैट बेसिस द मोजले प्रिपेयर दिस पीरियोडिक टेबल। मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया था वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ही क्या क्या उन्होंने स्केलेटन का यूज किया था। एंड इन मोजले पीरियोडिक टेबल मोजले टेक 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इन्होंने भी क्या किया 7 हॉरिजॉन्टल रोज किया सिमिलर टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने थे 7 रोज थे, इन्होंने भी क्या किया 7 रोज को लिया एंड ही टर्म दिस रोज एज पीरियड। इन्होंने क्या किया इस रोज का नाम क्या दिया इट्स कॉल्ड एज पीरियड। नेक्स्ट देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, इसमें क्या थे देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड ही नेम दिस वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप्स। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी मोजले पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या थे 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे विच आर कंसिडर्ड एज पीरियड एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर विच आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। यूजिंग दिस द लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज फॉर्मुलेटेड, यानी इन दोनों का यूज करके या सारी चीजों का यूज करके क्या किया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया। ये क्या थी आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखो ये क्या था 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या था 6 और 7 था। ये कहाँ से आया ये इसी के अंदर से आया हुआ है 6 और 7। अब इसके प्लेस के बारे में बाद में बात करी जाएगी क्या क्या है ये कितने इसमें कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने कॉलम हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक देयर आर 18 कॉलम। ये क्या थे आपकी मेंडली पीरियोडिक टेबल अरे मोजले पीरियोडिक टेबल क्या था आपका ये लुक था। देयर आर 7 पीरियड्स, ये क्या थे इनके अंदर पीरियड्स थे एंड दीज आर 18 कॉलम्स विच आर विच आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। ये क्या थे इसके अंदर 18 ग्रुप्स थे। तो दिस इज द स्केलेटन ऑफ मोजले पीरियोडिक टेबल। ये क्या था लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोजले पीरियोडिक टेबल का आपका पूरा इसके अंदर क्या था इसका स्केलेटन था। नाउ इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, मान लो इसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट को फिल किया गया कैसे फिल किया गया। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सीरीज की बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रैंकशियम, ये क्या थी आपकी फर्स्ट सीरीज थी। अगर इन सब की सीरीज का क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखें लिथियम एटॉमिक नंबर 3 कंफिग्रेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 and 2s1। लिथियम के बाद क्या था आपका लिथियम देन सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कंफिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। उसी तरह क्या है सोडियम बाद पोटेशियम देन रुबिडियम देन सीजियम देन फ्रैंकशियम। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन देखोगे तो इनके लास्ट में क्या आता है इसके लास्ट में 4s1, इसके लास्ट में क्या आता है आपका 5s1, इसके लास्ट में क्या आता है आपका 6s1 सीजियम, द सीजियम इज 6s1 एंड द फ्रैंकशियम एंड द फ्रैंकशियम। सीजियम कितना 6s1 और फ्रैंकशियम कितना आता है आपका 7s1। अब यहाँ पे अगर आप देखो इन सब का द आउटर शेल कंफिग्रेशन और द आउटर ऑर्बिटल कंफिग्रेशन, अगर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंफिग्रेशन देखो आउटर शेल कंफिग्रेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज सेम एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप टुगेदर। यानी इन सब का अगर आउटर मोस्ट जो कंफिग्रेशन है जो ऑर्बिटल कंफिग्रेशन जो किया था सेम है, इसलिए इसको क्या किया गया एक साथ एक ग्रुप के अंदर रखा गया। और वो ग्रुप क्या था आपका इसमें आपका ये दिस इज द ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंकशियम। यानी ये जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं ये किसके बेस पर रखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। उनके आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन कहो या और उसको मॉडिफाई करें आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करो आप, इन सब के एलिमेंट पे क्या थे सेम थे। यानी जितने भी आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं इन सब के जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनका जो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वो सब क्या आपका सेम है।
क्लियर? तो इसलिए इनको एक ग्रुप के अंदर सबको यहाँ पे पुट किया गया। नाउ द पॉइंट मॉडर्न पीरियड टेबल गिव द रीजन, इट गिव द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। अभी इधर मेंडलीफ ने क्या था, मेंडलीफ की पीरियड टेबल में पीरियोडिसिटी का पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मुजले ने पीरियोडिसिटी का रीजन बताया था। उन्होंने क्या कहा था, दिस इंप्लाइज दैट द एलिमेंट्स आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर शेल्फिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इनका आउटर शेल्फ कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपका इन सबके अंदर, इसके ऊपर क्या होती है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यानी दिस इंप्लाइज दैट द एलिमेंट्स आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर शेल्फ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जब आप कॉन्फिगरेशन को आप लिखते हैं तो इनका कॉन्फिगरेशन लिखते समय क्या होता है कि एक टाइम के बाद इनका कॉन्फिगरेशन फिर से रिवाइज होता है। अगर आप कॉन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या था आपका 2s1, फिर यहाँ पे क्या था आपका 2s2, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे, इसमें अगर आपके बोरॉन के अंदर कॉन्फिगरेशन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, देन क्या था 2p2, देन क्या था 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2p4, क्लोरीन के लिए 2p5, नियॉन के लिए 2p6, फिर क्या आता है 3s आता है, तो 3s का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3s1, यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन फिर से वापस क्या होता है s ऑर्बिटल पहुंच जाता है। यानी पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर उन्होंने बताई थी, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि एक टाइम के बाद जो आउटर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है फिर से अपने आप को रिवाइज लेता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, इसीलिए जो पीरियोडिसिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। पीरियोडिसिटी क्या होती है, इट इज द रिविजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिवाइज होती है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। और यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इट इज डिपेंड ऑन आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी आपके आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन के ऊपर। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है, द हाउ मैनी एलिमेंट इन अ पीरियड, एक पीरियड में कितने आपके एलिमेंट्स होंगे। बोरवरी की स्कीम के अगर अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, अकॉर्डिंग टू बोरवरी स्कीम तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यही क्या होता है इसका बोरवरी स्कीम के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 18, 32, 32, इसको आपने अपने अगर क्लास में तो पढ़ा हुआ है। पहले हम करते क्या थे, इसी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन को करते क्या थे, राइट करते थे आफ्टर अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के क्या हुआ, हमने SPDF को इंट्रोड्यूस किया अबव ने, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, सब कॉन्फ़िगरेशन क्या बना आपका, पहले 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3d10, then 4d10 and so on। इस तरह से क्या होता था आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता था। 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s2 2p6 यानी 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 = 8, तो सेकंड में कितना आ गया 8, फर्स्ट में क्या था 1s2 में क्या था 2। अगर इनको आप एक साथ रखना स्टार्ट करो, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह क्या करेगा बोरवरी को सेटिस्फाई करेगा 6 + 2। अगर इसके बाद देखो 3s2 3p6 क्या हो गया 8, 4s2 3d10 4p6, 4s2 3d10 4p6, अगर इन तीनों को हम इंक्लूड कर दो 10 + 2 = 12, 12 + = 18,
फिर क्या था, फिर से 1832-32 क्या होंगे, बोरवरी स्कीम के अकॉर्डिंग भी क्या था, इनका कंफिगरेशन सेम आया था। आबाओ के अकॉर्डिंग जब हम करते क्या है, ग्रुपिज्म कर देते हैं ऑर्बिटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तब क्या करते हैं, तब भी हमको एक कंफिगरेशन वापस में मिल जाता है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कितने पीरियड, किस पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या था आपका फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकेंड पीरियड, दिस इज द थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, 2। अब इसको अगर आप ऐसे समझो, फर्स्ट पीरियड यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इट इज अ पीरियड, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ सेवेंथ है, इसमें क्या होगा 32, फिफ्थ में भी क्या होगा 18, तो इसके अंदर भी कितने हो गए आपके 18 एलिमेंट, और यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 18 एलिमेंट, और इनके अंदर क्या हो गया, सिक्स और सेवन के अंदर देयर आर 32 एलिमेंट। ठीक, फर्स्ट के अंदर कितने थे, 2 एलिमेंट, इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड के अंदर कितने थे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन, इट कंसिस्ट 8 एलिमेंट। थर्ड ऑल्सो कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 8 एलिमेंट्स आर देयर। फोर्थ पीरियड कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 18 एलिमेंट। फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 18 एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 32 एलिमेंट। एंड ऑल्सो द सेवन पीरियड कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 32 एलिमेंट। अब देखो सिक्स और सेवन में क्या आपका 32 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स बोथ द पीरियड कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स कॉल्ड लार्जेस्ट पीरियड। सबसे लंबा अगर सबसे बड़ा पीरियड देखो क्या होता है, सिक्स और सेवन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वहां पे आपसे पूछा जाता है विच वन इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, तो क्या होगा पीरियड नंबर 1, एंड विच वन इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, 6 एंड 7 बोथ आर द लॉन्गेस्ट पीरियड विच कंसिस्ट 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन विच कंसिस्ट 32 एलिमेंट, में कितने होते हैं आपके 32 एलिमेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक द सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या थे, द मेरिट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल दैट इट गिव द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला क्या था, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का रीजन नहीं बताया था, लेकिन मोज़ले ने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी का रीजन बताया, एंड रीजन इज दैट द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या थी आपकी, इट इज द आउटर ऑर्बिटल कंफिग्रेशन, जो आउटर ऑर्बिटल कंफिग्रेशन था वही क्या थी इसकी मेन पीरियोडिसिटी की मेन रीजन था। इट गिव द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का उन्होंने क्या किया, रीजन को बता दिया। सेकेंड वन, इट सिंप्लीफाइज अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बाई डिवाइडिंग इन टू 4 ब्लॉक। अगर आप इनको देखोगे तो इनके पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 4 ब्लॉक थे, कौन कौन से, दिस टू आर एस ब्लॉक, दिस वन इज अ पी ब्लॉक, दिस वन इज अ डी ब्लॉक, एंड दिस वन इज अ एफ ब्लॉक। इसके अंदर कितने थे, एसपीडीएफ ब्लॉक। अब ये एसपीडीएफ ब्लॉक क्यों बना, दिस एसपीडीएफ ब्लॉक एंड दिस एलिमेंट विच आर ऑक्यूपाई इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डिपेंड अपॉन दिस आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन, यानी जिस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिटल में एस आ रहा था वो किसके नंबर हो गए, एस ऑर्बिटल के, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर कौन सा आपका पी था तो वो क्या हो गया पी ब्लॉक का एलिमेंट, जिसमें आउटर मोस्ट में डी थे वो क्या हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिसके आउटर मोशन में एफ थे वो क्या हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जाता था, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो आपका एस ऑर्बिटल का मेंबर हो, एस ब्लॉक का मेंबर होगा, अगर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो डी ब्लॉक का मेंबर, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक का मेंबर। सिमिलरली इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, इट मीन्स दोज एलिमेंट वॉज द मेंबर ऑफ एफ ब्लॉक, वो क्या होगा एफ ब्लॉक का वो मेंबर होगा। तो ये जो आपका एसपीडीएफ बना था किस पे बना था, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दोज पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एस में गया तो एस का, पी में गया तो पी का, डी में गया तो डी का, और एफ में गया तो एफ का। ठीक, नाउ डीमेरिट्स क्या थे, द डीमेरिट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज दैट द फर्स्ट द पोजीशन
ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली एस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में क्या था, हाइड्रोजन पोजीशन ही एनोमलस थी. और यहाँ पर भी क्या था, सिंस यहाँ पर रीजन हुआ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एनोमलस. क्यों एनोमलस है, अभी आप आगे चलकर देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इट इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप. कंफिग्रेशन के बेस पे क्या होगा आपका, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है. लेकिन जब आप प्रॉपर्टी पे आएंगे, द केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द हैलोजन, इसके आपके सिमिलर कर जाती है हैलोजन के, दैट इज द ग्रुप 17 मेंबर, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. इनके साथ क्या होती है, सिमिलर शो करती है. तो इसीलिए हाइड्रोजन की क्या होती है, दो दो पोजिशन होती है, यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है. ठीक है ना, अभी आप एनोमली आगे इसकी पढ़ेंगे क्या क्या होगी. नाउ नेक्स्ट इज दैट पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. लैंथेनाइड एक्टिनाइड, दीज आर द टू सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक. ये एफ ब्लॉक की आपकी टू सीरीज है, कौन से, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड. अगर आप देखो तो ये जो है लैंथेनम एंड एक्टिनम, लैंथेनम इज अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप नंबर थ्री. डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर थ्री का ये जो मेंबर है वो क्या है आपका, यहाँ पे लैंथेनम है. एंड एक्टिनम इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक ऑफ ग्रुप थ्री. इसकी पोजिशन कहाँ पे है, पीरियड नंबर सिक्स लैंथेनम की, और एक्टिनम कहाँ पे है, सेवन. अगर आप देखो तो ये जो पूरे पूरे आप एफ ब्लॉक दिखते हो, इनकी पोजिशन अगर एक्चुअली में देखा है तो कहाँ थी, इस लैंथेनम के बाद थी. यानी डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप के बाद अगर हम यहाँ पे एफ ब्लॉक को पुट कर देंगे तो सीरियम टू ल्यूटेशियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम, ये जो आपके एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, इस पर्टिकुलर डी ब्लॉक के बीच में. इनको बाहर क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया पीरियोडिसिटी के लिए, क्योंकि ये पूरी पीरियोडिटेबल किस पर आपकी डिपेंड कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी किसको, पीरियोडिसिटी को. और जब हम इसको पर्टिकुलर एफ ब्लॉक को इसके अंदर पुट कर देते हैं तब हम कैसे पढ़ते हैं, अभी कैसे पढ़ते हैं, पहले आपका एस है फिर डी है फिर पी है, ऐसे ही होता ना, पहले आप एस ब्लॉक फिर डी ब्लॉक फिर क्या यहाँ पे पी ब्लॉक. अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर देते तो पीरियोडिसिटी जो थी वो डिस्टर्ब हो जा रही थी. तब क्या था यहाँ पे, इस पर्टिकुलर यहाँ पे देखो यहाँ तक तो सेम है, जब यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया तब क्या था, यहाँ तक तो एस ब्लॉक देन डी ब्लॉक देन क्या था आपका यहाँ पर एफ ब्लॉक आता, उसके बाद हैफनियम कहाँ पे आता इधर, इसके बाद में तब क्या होता फिर से डी फिर से क्या होता सी. तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस था ये पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा था, इसीलिए क्या किया, इस मोजले ने इस पर्टिकुलर दोनों सीरीज को उठा करके नीचे रख दिया. एंड द फर्स्ट सीरीज हैव एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द लैंथेनम. एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम के साथ क्या करी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी. देयर फोर दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, लैंथेनॉइड कहते हैं. उसी तरह से द सेकेंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक द एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, इस सीरीज के जो आपके एलिमेंट्स हैं दिस शो द सिमिलैरिटी विद देयर प्रॉपर्टीज विद एक्टिनम, इनकी जो प्रॉपर्टी एक्टिनम के साथ क्या करती है आपकी सिमिलैरिटी शो करती थी, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड एज द एक्टिनाइड. तो क्या कहा गया, एक्टिनाइड के लिए. इनको क्यों बाहर रखा गया, बिकॉज इट डिस्टर्ब द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियोडिकल, इसकी पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए उसको फॉलो करने पीरियोडिसिटी के लिए इनको यहाँ से बाहर पुट कर दिया गया. इज दैट क्लियर. नाउ तो यहाँ हमने क्या देख लिया, इसका मेरिट एंड डीमेरिट फॉर मॉडर्न पीरियड टेबल, मेरिट भी देख लिया और हमने डीमेरिट यहाँ पे कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक. अब ब्लॉक के बेस पे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, अब हमको पता है देयर आर फोर ब्लॉक इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल. कितने ब्लॉक है इसके अंदर, फोर ब्लॉक हैं, कौन कौन से, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, फोर ब्लॉक हैं किसके अंदर आपके मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक. द नेम्स ऑफ दिस ब्लॉक आर डिराइव फ्रॉम द
नेम ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपके नेम पढ़े हैं SPDF के अंदर, ये किसके किसके बेस से पढ़ा है, उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो जिस ऑर्बिटल में जा रहा था, अगर वो एस में जा रहा था वो एस ब्लॉक का मेंबर, पी में जा रहा था पी ब्लॉक का मेंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता तो डी ब्लॉक का मेंबर, और अगर एफ में जा रहा था एफ ब्लॉक का मेंबर, यानी ये जो आपके नेम थे किससे डिराइव किया गया, द ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वो जो वो ऑर्बिटल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके बेस पर किया गया, इनको फोर ब्लॉक में डिवाइड किया गया। इज दैट क्लियर? अब इनके कुछ क्या थे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। एस ब्लॉक तो क्या रहता है आपको, एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एस ऑर्बिटल, कितने होते हैं मैक्सिमम, टू इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं आपके टू इलेक्ट्रॉन, अगर टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए एस ब्लॉक के अंदर आपको कितने दिखाई देंगे, टू ग्रुप्स। द नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ ब्लॉक इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बेस पे उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जो किसके बेस था आपके ऑर्बिटल के ऊपर बेस था उसके अंदर ग्रुप को वहां पे बनाया गया, क्योंकि एस ब्लॉक की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, टू इलेक्ट्रॉन की होती है, देयरफॉर इट कंसिस्ट टू ग्रुप्स। इसके अंदर कितने हैं आपके, टू ग्रुप्स हैं, और टू ग्रुप में पहला ग्रुप कौन सा आपका, द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कलाई मेटल, वो क्या होता है आपका एल्कलाई मेटल, एंड नेक्स्ट ग्रुप इज एल्कलाई अर्थ मेटल, दूसरा क्या होता है आपका एल्कलाई अर्थ मेटल, दिस इज द ग्रुप नंबर वन एंड दिस इज द ग्रुप नंबर टू। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो, ये क्या है आपका ग्रुप नंबर वन एंड दिस इज द ग्रुप नंबर टू, ये दोनों क्या हो गए आपके एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर वन क्या था, दिस इज कॉल्ड एल्कलाई मेटल, ये क्या थे एल्कलाई मेटल, सेकंड ग्रुप इज द एल्कलाई अर्थ मेटल, सेकंड क्या था आपका एल्कलाई अर्थ मेटल। इज दैट क्लियर? नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी पूरे एस ब्लॉक के एलिमेंट का, चाहे वो आपका ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों को इंक्लूसिव फॉर्म में यहाँ पे कहा जा रहा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज दैट, क्या होता है एन एस वन टू टू, ये माइनस नहीं है, इट इज वन टू टू, क्योंकि एस की जो कैपेसिटी होती है कहाँ से होती है, वन टू टू इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने होते हैं वन, मिनिमम कितना होगा उसके अंदर, मैक्सिमम कितने होते हैं टू, मिनिमम कितना होता है वन, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो का मतलब क्या होगा वेकेंट, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं इसके अंदर वन, और मैक्सिमम कितना होता है इसके अंदर टू, ठीक है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ब्लॉक का, एन एस वन टू टू, ठीक है ना, अगर एन एस वन हुआ तो एल्कलाई मेटल्स का, एन एस टू हुआ तो एल्कलाई अर्थ मेटल्स का। नाउ द पी ब्लॉक, पी ब्लॉक किस पे डिपेंड करेगा आपका, पी ऑर्बिटल पे, इन पी ऑर्बिटल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तीन है, सिक्स होते हैं, देयरफॉर इट कंसिस्ट सिक्स ग्रुप, उसमें कितने ग्रुप होते हैं आपके, सिक्स ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, देन ग्रुप नंबर 14, देन ग्रुप नंबर 15, देन ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 में देखो पहला एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, बोरॉन, 14 में कार्बन, देन 15 में नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और देन क्या होगा आपका यहाँ पे नियॉन, ऊपर क्या होगा इसके हीलियम होगा, क्योंकि 13 ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या आपका बोरॉन है, दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड एज बोरॉन फैमिली, ये कौन सी है बोरॉन फैमिली। 14 ग्रुप नंबर 14 में देखो उसमें क्या है आपका कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। 16 ऑक्सीजन इज फर्स्ट एलिमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। ये सब आपके ग्रुप के नेम्स हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। एंड एफ इट इज ऑफ फ्लोरीन, कौन सा ग्रुप नंबर 17, एंड दिस ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड हैलोजन, फ्लोरीन फैमिली नहीं है ये, क्या आपका हैलोजन।
And last is a group number 18, which consists all the inert gases. And this is called noble gases. जनरली हम क्या कहते हैं, इट इज अ जीरो ग्रुप. ये कौन सा आपका जीरो ग्रुप. तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन. वहां से स्टार्ट हो रहा है 13 to 18. बॉन्ड एंड पीरियोडिक टेबल में आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप नंबर 13 एंड 14, 15, 16, 17 और ये ग्रुप नंबर क्या है आपका 18. बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये क्या है आपका हैलोजन, देन क्या आपकी नोबेल गैसेस. कहीं कहीं पे आप देखो कि इसके स्पेसिफिक नेम भी दिए गए हैं, दिस कॉल्ड एज हैलोजन, एल्कोजन, निकोजन, वो सब अलग चीजें हैं. तो आप हायर क्लास में स्टडी करिएगा, अभी इतना जान लो क्या होते हैं आपकी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली और देन क्या होता है आपका हैलोजन, लास्ट वन क्या होता है आपका यहाँ पे इनर्ट गैसेस. क्लियर. अब इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट इज दैट NH2 NP 1 2 6. यानी ये क्या है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है आपका पी ब्लॉक का. NH2 होता है बाई 2, S के बाद ही तो P आएगा ना, तो पहले क्या था NH2 उसके बाद NP, कहाँ से 1 to 6 तक पी में आपके इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर. नाउ डी ब्लॉक का मतलब किस पे डिपेंड करेगा आपके डी ऑर्बिटल पे एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. यानी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, द मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स इट कंसिस्ट 10 ग्रुप. इससे कितने ग्रुप होंगे इसके अंदर 10 ग्रुप. कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 3. मीन्स यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने आपके 10 ग्रुप्स होंगे. स्टार्ट किससे होगा, ग्रुप नंबर 3, 2. ग्रुप कहाँ पे होता है आपका, ये ग्रुप नंबर 12 पर. 3 to 12 क्या होते हैं इसके अंदर आपके ग्रुप होते हैं. ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक कितने हो गए आपके, टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं. कितने होते हैं आपके 10 ग्रुप. आओ देखते हैं कहाँ पे उसको प्योर टेबल के अंदर. इसका ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक the whole elements are considered as transition elements. तो हम क्या कहते हैं, transition elements. इनका specific color होता है, color क्यों होता है, spectrum का formation करते हैं, उसमें क्या होता है transition होता है from ground state to the excited state और excited state to the ground state. transition होता है, jump करता है one orbital to another orbital, transition दिखाते हैं, energy को eliminate करते हैं, इसमें color दिखाई देता है, वो सब चीज़ों ने आप कहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने उसको पढ़ा था, इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था वहाँ पे सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था कि किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है, एक्साइटेड किस तरह से ग्राउंड में आता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ट्रांजिशन होता है, सेम एनर्जी लेवल टू एनर्जी दूसरे एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करते हैं. ये क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, ये एग्जाम्पल होगा. इनका क्या होगा आपका स्पेसिफिक कलर्स होगा. और उसमें भी अगर आप देखो दिस पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 11 कॉपर सिल्वर गोल्ड ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉइनेज एलिमेंट. याद आ रहा है मैंने लिस्ट किया टेबल में बताया था कॉइनेज एलिमेंट कौन से होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड. तो वही आपके कॉइनेज एलिमेंट कहाँ पे हैं आपके ग्रुप नंबर 11 में. क्लियर. चलो अब इनका भी क्या देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल दैट N-1 D 1 to 10 NH2. ये क्या होता है आपका डी ऑर्बिटल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10
NS2. This is the general atomic configuration of p block elements. Now, last one is the f block. इस पे डिपेंड करेगा आपके ये f ऑर्बिटल पे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ f ऑर्बिटल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकते हैं. द मैक्सिमम इज 14 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर कितने होंगे, 14 ग्रुप्स होते हैं. अब कहोगे 14 ग्रुप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, बिल्कुल दिखाई देंगे. लेट्स सी, आइए ये दोनों तो इसके मेंबर हो गए, इसको तो हटाओ. कहाँ से आपका सीरियम से लेकर लुटेशियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 फर्स्ट सीरीज में कितने हो गए 14, सेकंड सीरीज में कौन सा था 59, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए इसके अंदर आपके 14. तो 14 ग्रुप किससे मिल गए, मेंशनाइड है, 14 किससे मिल गए आपके 59 से. देयर आर टू सीरीज आर देयर, इसमें कितनी होती हैं, टू सीरीज. फर्स्ट सीरीज लेंथेनाइड एंड सेकेंड सीरीज इज द एक्टिनाइड. लेंथेनाइड कहां से हैं, सीरियम टू ल्यूटेशियम एंड एक्टिनाइड थोरियम टू लॉरेंशियम. क्या होते हैं इसके अंदर आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं. अब इनमें इन F block, the general electronic configuration, इनका जो general electronic configuration होता है, देखे, it is N-2, F1 to 14, N-1, D0 to 2, NF2. ये क्या होता है इसका electronic configuration? N-2 F, 1 to 14, N-1 D, 0 to 2, NS2. So this is the features of modern periodic table. ये सारे क्या थे आपके modern periodic tables के आपके features. इसमें आपने S block को देखा, E block को देखा, D block को देखा और F block को देखा. और थोड़ा सा इसका क्या किया आपने, review लिया. Is that clear? इसको आराम से समझिएगा, ठीक है ना. Revise this video 1 to 2 times. Okay, we will meet you next class with some new topic. Thank you, class.